नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी को पूरे विश्व से आज एक सबको मैं बहुत ही अच्छी न्यूज बताने जा रहा हूँ, एक जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, साई वाणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि शाम को 6 से 7 जिन्हीं भी लोगों को जुड़ना है झूम पे, हम साई वाणी लाइव करने जा रहे हैं। और आपको लिंक भेजी जाएगी, आपको ग्रुप में जोड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने अभी सबको, जितने भी लोग संपर्क करते हैं उनको ऐड किया है। और उस झूम मीटिंग में मैं साई वाणी के लाइव जो भी हमारे सेंटर्स में एक्टिविटी चलती है वो अब हम दिखाएंगे, जिससे प्रत्यक्ष कृति से आपको सहभाग लेने में बहुत बड़ा, साईवाणीट्रस्ट.org ई कॉमर्स के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उसी को हम एक कार्य से लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। उठो, मैं हमेशा कहता हूँ, पानी को गर्म करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 डिग्री तक पानी गर्म होता रहेगा। 80 पे बहुत गर्म होगा, 90 तो उसको बाष्प निकलने लगेगा, लेकिन 100 डिग्री के बाद पूरे पानी का बाष्प होगा। लगातार हजारों लोगों से, करोड़ों लोगों से बातचीत करने के बाद और 6 महीने से पूरी तरह से साई वाणी के हर दिन, एक भी दिन हमने खंड नहीं किया, लगातार हम साई बाबा के जो अध्यात्म के माध्यम से, ध्यान और साधना के माध्यम से जो विचार एकदम साइंटिफिक तौर पर, ना कोई बुआबाजी, ना कोई गलत चीज, ना कोई अंगारा, कोई भंडारा, कोई धुपारा, कोई कुछ, सिर्फ अंतर मन की साधना। समय लगेगा इस कार्य को बढ़ने के लिए, मैंने तो मेरी पूरी जिंदगी दी, और चाहे मुझे और 10 जिंदगी क्यों ना देने पड़े, लेकिन याद रखना, बहुत तपस्या करके जो मैंने एक शास्त्र पद्धति से, एक रियलिस्टिक तौर पर, एक भूमिका के तौर पर, एक हाईली क्वालिफाइड एंड इंटेलेक्चुअल विद भावनाओं के साथ जुड़ने वाला, एक कर्तृत्ववान लेकिन उतना ही नम्र और उतना ही गुणी, एक पराक्रमी लेकिन इतना ही योद्धा, एक श्रद्धे वाला, एक ईमानदार, एक सच्चा, एक ट्रुथनेस, एक अपने किसी भी चीज में गलत कार्य ना करते हुए खुद का साम्राज्य खड़ा करने वाला इंसान मैं बनाना चाहता हूं। ये मेरी दृढ़ता है, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी भावना है, ये मेरा विश्वास है, मेरा त्याग है, मेरा समर्पण है, और कोई दोहरा नहीं है, कोई बिल्कुल शक नहीं, कतई शक नहीं है मुझे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवा मामका पांडव क्षेव किमकुर्वत संजय, उस संजय, उस प्रकार हम हमारे धर्म क्षेत्र में, हमारे कुरुक्षेत्र में जो अंधा धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा था, वैसे बहुत सारे लोग अपने भविष्य के प्रति जो चिंतित है, उसमें मैं संजय का काम कर रहा हूं, और संजय वो बता रहा है जो करने से आपके जीवन में फल आने वाला है, आपके जीवन में क्रांति होने वाली है। मैं छोटी सी कहानी से आज शुरुआत करना चाहता हूं, कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है, उसको ठीक से समझ लीजिएगा। यह कहानी अपने जीवन में बदलाव लाने वाली कहानी है। हम क्या करते हैं, हम अपने ही मन का करते, हम किसी का भी सुनते नहीं है। एक गधा होता है और वो गधा एक बड़े मालिक के, जमींदार के पास होता है। दिन भर वो जमींदार के लिए वो गधा काम करता है, और रात में अपने एक उसका दोस्त होता है दूसरा, जो बहुत ही होनार दोस्त होता है लोमड़ी के, और लोमड़ी के साथ एक अच्छे अंगूर के खेती में जाके दोनों अंगूर खाते हैं बढ़िया। एक दिन शाम को, रात को 2-3 बजे चांद ऊपर निकल आता है और एकदम प्रसन्न उजाला होता है सब जगह पे, तो गधे का मन करता है, क्योंकि गधे की एक आदत थी, वो दिन भर काम करता था और रात को अपने घर आता था, रात को दिन भर जमींदार के पास काम करता था, और रात को ये अपने लोमड़ी के साथ जाके अंगूर खाके सुबह आके फिर से अपने जमींदार के दरबार में खड़ा होता था और दिन भर काम करता था। जमींदार ने भी सोचा, दिन भर काम करता है, रात का कुछ भी होने दो, अपना अपना चल रहा है, गधा ही गधा होता है, इसलिए उसको गधा कहते हैं। फिर वो लोमड़ी के साथ गया, लोमड़ी तो चतुर थी, लोमड़ी ने कहा बराबर है, चांद ऊपर आया है, वातावरण प्रसन्न है। तो गधा कहता है कि मैं, जब जमींदार कभी कभी थक जाता है और उनके दोस्त थक जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी सुरीली गानों की महफिल रखते हैं, तो क्यों ना इस मोमेंट में हम भी गानों का महफिल करें और अंगूर भी खाएं।
तो लोमड़ी होशियार होती, लोमड़ी कहती है बेटा तू गलत सोच रहा है, तू तो कोई संगीतकार नहीं है, बहुत बड़ा गायक नहीं है, तू गाएगा तो मालिक आएगा और हमें यहां से पकड़ेगा और मारेगा। तो नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा? मन से करने वाले लोग, बहुत सारे लोगों को लगता है गूगल में ज्ञान है, व्हाट्सएप पे ज्ञान है, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं भट्टा कट्टा हूं, पैसा कमा रहा हूं, बीबी बच्चे हैं, सब खुश है, किसी का टेंशन नहीं, क्या भगवान, कौन भगवान, कैसा भगवान, क्या जरूरत है मुझे, मुझे प्रॉब्लम आ, ये बाबा लोग ऐसे ही बसाते। अरे भाई तू इतना ज्ञानी है लेकिन तू याद रख तू गधा है, क्योंकि तुझे गाना बोलना जब रात में वो गधा शुरू कर देता है, वो गधा जैसे ही गाना बोलने लगता है वो मालिक आता है, उनको पकड़ता है, लोमड़ी तो भाग जाती है, गधे को मारता है, पीटता है और फिर उसके गले में एक बहुत बड़ा पत्थर बांध देता है और उसको, फिर गधा ही होता है, ताकतवर होता है, उसको पता है कहां से निकलना है, फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो अब इसको बांध दिया, निकल जाते हैं और सुबह मालिक आने के बाद तो गधे को उसके हाथ में दे देंगे, क्योंकि वो खेत का भी मालिक मालिक होता है ना कोई। बट गधा रात में ही निकल जाता है, निकलता है लेकिन जाते में उसके गले का जो पत्थर है वैसे ही रहता है, क्योंकि वो दौर तो तोड़ लेता है लेकिन गले का पत्थर नहीं निकाल पाता है। वैसे ही जमींदार के पास जाता है, जमींदार बोलता है जो काम मुझे करना था ये काम कोई और कर गया, सब कुछ ठीक होने के बाद अगर उस इंसान नम्र नहीं है, ज्ञानी है लेकिन चारित्र्यवान नहीं है, समझदार है लेकिन क्रियाशील नहीं है, और उस ध्यान धारणा के प्रति भगवान का उसके ऊपर कोई गंध नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, लिख लो मेरे जवान, वो बंदा एक ना एक दिन गधे जैसा पत्थर अपने गले में डालेगा। नहीं कुछ तो 70-80 साल का होने के बावजूद भी उसकी काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार की जो रुद्याए बढ़ती रहेगी। मैं अभी अभी एक विदेश दौरा करके आया और उन्होंने मुझे वहां एक मुझे मित्र मिले और उन्होंने कहा सुनील जी पूछने में भी शर्म आती है बट मैं पूछना चाहता हूं। कहा कहिए। मैं इतना मेरे पास है, हमेशा जिंदा रहने का कुछ है क्या, कुछ नुकसान या कुछ रास्ता है क्या, मैं मरना ही नहीं चाहता। बहुत सही है, 40 साल पहले यहां से उस कंट्री में गए थे, पैसा कमाया था, खुद का चार्टर फ्लैट था, लिमोजिन टाइप की बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, कारोबार था, बच्चे थे, अभी पोते भी आए थे, लेकिन जीने की इच्छा। मैंने कहा एक है सेठ जी, क्या है? अरे एक रिक्वेस्ट है, आपका काम है ना आपको जिंदा रखेगा, अगर 50 साल के बाद भी अगर कोई कहेगा कि मैंने इस सेठ के कंपनी में काम किया और उन्होंने मुझे ये ठीक सिखाए, तो आप जिंदा है उस समय। काम जिंदा रख सकता है, नाम जिंदा नहीं रख सकता, काम जिंदा रख सकता है। अब जो काम कर रहे हो, मैं तो चाहता हूं जो साईवानी का मैं प्रयास करने जा रहा हूं, चाहे इस जन्म में मेरा काम पूरा ना हो, 100 जन्म भी मुझे लेने पड़े तो भी मैं साईवानी का यह कार्य, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं जिंदगी जीने की कला। मैं आज भटक हुए लोगों को मार्ग दिखाना चाहता हूं। गुस्सा करने वाला, मैं खुद गुस्सा करता था, अभी मेरा पूरा गुस्सा चला गया, मैं व्यवहार में चौक हो गया, मैं जिंदगी में सच्चाई के मार्ग पर, मैं अगर कोई मुझे करोड़ रुपए दे के भी कहे ये काम करना है, गलत काम के प्रति कभी ध्यान भी नहीं जाएगा। इसको कहते हैं अंदर बाहर से बदलाव, और दूसरों के प्रति सोचना, अपनों के प्रति सोचना, अपने लोगों को आगे लेके जाना, यही साईं बाबा ने सिखाया। अन्न वस्त्र निवारा शिक्षा आरोग्य के प्रति, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आरोग्य के प्रति कटिबद्ध रहो, लोगों को ज्ञान दो, लोगों को समझदारी के साथ साथ दो, लोगों को विचार के करने के लिए प्रवृत्त करो, और अगर करना है भाई और बहनों तो जैसे मैंने उस सेठ जी को कहा, अगर आपको बहुत साल जिंदा रहना है तो अपने काम से लोगों के बीच में जिंदा रहो। आखिरकार काम बोलता है, क्या बोलता है? काम। और काम कब बोलेगा? जब काम करोगे तो बोलेगा ना। खाना पीना रहना बच्चे बीबी बच्चे तो सब है, वो तो करोड़ों लोग, 140 करोड़ का देश है, उसमें नया क्या है? तू जो कार्य कर रहा है, आप जो कार्य कर रहे हो, उस कार्य को किस तरह से आप आगे लेके जाना चाहते हो, और उस कार्य को बनाने के लिए आप किस तरह से प्रयास करते हो, ये प्रयास बहुत बड़ी चीज है, और उसके लिए एकाग्र होना जरूरी है। और एकाग्र होने के लिए मैंने जो गुरु मंत्र दिया है, ओपन गुरु मंत्र है मेरा, प्रारंभ करो जारी रखो, हे साई प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो, प्रारंभ करो जारी रखो। कोई भी अच्छा कार्य जीवन में ढूंढो, जो आपका आवाज है, बैठो 10 दिन शांत एकदम सांस। एक कोई कोई गुरु परीक्षा लेता है, कोई शिष्य जब उसके पास पढ़ने आता है ना, तो गुरु उसको नाक के पास छोटी सी मिट्टी रखता है, बोलता है ले ले सांस, अगर सांस जोर से छोड़ेगा और मिट्टी थोड़ी भी उड़ेगी तो बोला गेट आउट, फिर से तैयार हो क्या,
क्योंकि इतनी गहरी शांत सांस लेने, शांतता भंग हो रही है। आपको पता है खरगोश और आपको पता है टॉर्टॉइस, दोनों का फर्क क्या है? जिंदगी में फर्क है, जिंदगी में 125 साल जीता है टॉर्टॉइस, बहुत साल जीता है। खरगोश कितने कितने कम दिन जीता है, क्योंकि उसकी सांस बहुत फास्ट चलती है और जिसकी शांत चलती है ना हजारों करोड़ साल, इसलिए गुस्सा हुआ इंसान देखो करेगा और शांत एकदम शांत कूल कूल डाउन। क्यों क्यों? क्योंकि शांतता में ही आनंद है, ना कि गुस्से में, ना कि ज्यादा फास्ट सांस लेने में, ना कि दूसरों की। देखो किसी के साथ कंपटीशन मत करो। पता है अपने को जो बेसिक कीड़ी है ना, बेसिक जो कीड़ है, बेसिक जो नकारात्मक सोच है ना, इसीलिए है कि हमारे पेट को अगर हमें दिमाग को शांत करना है ना, जो पेट में जो जलन होती है ना हमारी, जलन इन द सेंस नॉट उस प्रकार, खाने पीने की नहीं बोल रहा हूं मैं, कब्ज की नहीं बोल रहा हूं, जलन मतलब दूसरों को अच्छा होने के बाद जो दर्द होता है ना लोगों को, उनके विचारों का समस्या है। बुरा देखो तभी ठीक हो सकता है जब कुछ अच्छा हो जाए, तभी आप अच्छा कार्य कर सकते हो जब आपके अच्छे विचार हो जाए, तभी आप अच्छा फिट रह सकते हो जब सेहत अच्छी हो। मैं बार बार सेहत क्यों कहता हूं पता है? अगर हो सके ना भाई और बहनों, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कहता हूं, एक 15 दिन में ना एक बार किसी भी पुणे के, मुंबई के, दिल्ली के, जो भी आप शहर में, बैंगलोर में, मैसूर में, जयपुर में, राजस्थान में, सूरत में, कहीं भी बड़े शहर में, गांव में भी हो, तो थोड़ा सा तालुका के प्लेस में जाके ना किसी अस्पताल में, कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार के पास नहीं मिलो, किसी को नहीं जाओ, आप कोई भी ऐसे रैंडमली हॉस्पिटल में जाके ना सिर्फ एक आधा घंटा शांत होकर घूम के आओ, पता चलेगा भगवान ने आपको क्या दिया है और उसको हम किस तरह से जतन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, नहीं संभाल रहे, बिल्कुल नहीं संभाल रहे। मैं बोलने वाला हूं आयुर्वेदा के ऊपर भी बोलूंगा मैं जीवन के, बट मैं पहले लक्ष्य तय कर रहा हूं कि आप ध्यान को शुरू करें। मेरा एक ही प्रयास है आपके जीवन में क्रांति लाना, और क्रांति ध्यान के बगैर नहीं आएगी। साई बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सब श्रृंखलाएं, ये सब मिशन, ये सब लक्ष्य, ये सब ताकत, मैंने बहुत बड़े लेवल पे प्रयास किया। साई वाणी गुरुकुलम का जो अभी पहला स्कूल शुरू हुआ, उसमें 600 बच्चों ने अभी तक एडमिशन का कंफर्मेशन दे दिया। इतना बड़ा लक्ष्य साई गुरुकुलम, ये ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। इंडियन चैम्बर ऑफ एजुकेशन इसके लिए पूरा प्रयास करेगी, हेल्प करेगी आपको आपके नए नए इंस्टीट्यूट शुरू करने में, नए नए शाखाएं बनाने में, क्योंकि लक्ष्य बड़ा हो। देखो कोई यहां अनपढ़ नहीं है, एवरीबॉडी इज नॉलेजेबल। मैं कहना चाहता हूं आपको सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है, सलाह की नहीं, आपको एक साथ की जरूरत है, और मैं साथ देने वाला इंसान हूं। मैं जो भी साईं बाबा के आशीर्वाद के थ्रू से मुझे मिला है, मैं बांटना चाहता हूं आप सबको, और हम सब मिलकर आगे जाएंगे, एक विश्व बनाएंगे, एक सुंदरता के साथ, एक प्रसन्नता के साथ, एक मानवता के साथ, एक अपनेपन के साथ, और अपने खुद के पैर पे खड़े होने के लिए व्यापार, दूसरा है मन की स्वतंत्रता, तीसरा है सत्यता, चौथा है प्रारंभ करो जारी रखो। मुझे वो लोग पसंद है जो अड़ी गए अपने संकल्प के ऊपर, अपनी दृढ़ता के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपने विचार के ऊपर, क्योंकि बिना संकल्प पे आदमी कहीं नहीं पहुंचता। भटकने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है, जो आज एक, कल एक, वो एक, वो एक, वो एक, वो एक, वो एक, कुछ नहीं, एक करो तय और उसके ऊपर चलो। बहुत सारे लोग तो कहते हैं नहीं बहुत बार प्रयास किया हुआ नहीं, अरे तूने ठीक से किया नहीं, और नहीं हुआ तो और अच्छा होगा, क्या तूने बुरा किया किसी का, भगवान ने क्यों तेरे साथ बुरा करेगा? तू शिद्दत से मांग नहीं रहा है, तू शिद्दत से दे नहीं रहा है, तू शिद्दत से कर नहीं रहा है, तू शिद्दत से उसमें जान नहीं डाल रहा है। जान डालो, जब तक जान नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होगा, और जान डालने के लिए भाई और बहनों तपश्चर्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, और आज मैं साधना के ऊपर कहना चाहता हूं। ये लक्ष्य जो है, ये भूमिका जो है, ये जो भावनाएं है अपने अच्छे, वो लोमड़ी का अगर वो गधा सुनता तो उसको मार खाना नहीं पड़ता, आराम से फल तो खा रहा था। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अच्छे विचारों को सुनो, जानो, एक गुरु को तय करो और अपने जीवन में उसको अप्लाई करो। जब तक वो अपने जीवन में लाना नहीं करोगे, अच्छे विचार कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाना जरूरी है, और वो लाना है एक लक्ष्य, एक कार्य, और इसीलिए मैंने सहज, एकदम शांत साई योग, सिंप्लिसिटी वाला योग है, साई क्रिया सिंप्लिसिटी वाली क्रिया है, साई ध्यान सबसे अच्छा है, क्योंकि ये प्रयोग मैं करवाना चाहता हूं। ये प्रयोग बड़े लेवल पे हो रहे हैं अभी, जो भी सेंटर्स हमने शुरू किए, मैंने लक्ष्य रखा है कि मेरा एक एक सेंटर हजारों हजारों नागरिकों को बनाएगा, और ऐसे 1008 सेंटर होने के बाद बहुत खुशी होगी कि ये कार्य को हम लेके जा रहे हैं। जो कार्य को हमने तय किया है वो कार्य है लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, लोगों के जीवन में क्रांति लाना,
लोगों के जीवन में अपने पैर पे खड़े होने की क्षमता रखना प्रारंभ करो, जारी रखो। इसीलिए तो ये स्लोगन बनाई है, इसीलिए तो साई बाबा ने दिया दृष्टांत है। ऐसे नहीं है कोई भी चीज यहाँ यूं ही नहीं होती, उसके लिए दिन रात मेहनत करने वाली टीम है। रात दिन हम काम करते हैं और लगन के साथ, सच्चाई के साथ, मन के साथ, दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ एक एक कदम हम चल रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, इसलिए हम हड़बड़ी नहीं कर रहे। अभी मैंने टॉर्टोइस किया और मैंने जो खरगोश की कहानी आपको कही, उसी प्रकार हमारे जीवन में वो कासव गति जो है वो है लक्ष्य की गति, और हमें चलना है, हर दिन हमारे जीवन में प्रगति करनी है। और इसलिए आज का संदेश है, अपने के साथ और अपनों के साथ दिल से काम करो। ओम साई राम प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहां साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मिति करते हुए उन्होंने यहां निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहां बच्चे पढ़े और जहां बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मिति की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने saivanitrust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए, ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो।